हेलो दोस्तों, आज हम हाजिर हैं अगले वीडियो में। ठीक है, फिर से लेकर के आए हैं चैप्टर, क्योंकि प्रश्न हमारी आपके पास में 3.1/3.2 का मतलब ये है कि पुरानी बुक और नई बुक के अकॉर्डिंग आपके पास में जो है, तो ये प्रश्न हमारी नई बुक के अकॉर्डिंग आपके पास 3.1 हुई और पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 3.2 है आपके पास में। ठीक है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास जो है ये मैं बता रहा हूँ। तो ये नई बुक में 3.1 पे मिलेगा और पुराने बुक में ये 3.2 पे मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैप्टर 1 से आप अपने पढ़ाई को चालू करिए। चैप्टर 1 से 1, 2 और जो आपके पास में 3 चैप्टर है जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन प्लेलिस्ट में जाइए, आप रेगुलर स्टडी करिए। रेगुलर आपके पास 30 मिनट्स की क्लास होती है मैथ की और 30 मिनट्स की क्लास होती है, 30 मिनट की क्लास होती है आपके पास उसकी, क्या नाम है आपके पास, साइंस की। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना पढ़ाई करते रहिए और सीखते रहिए आप। ठीक है, और प्रिपरेशन करते रहिए। इसके बाद हम सीरीज भी बहुत चलाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की सीरीज चलाएंगे, एमसीक्यूज की। उस एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, उसको लेकर के आप आगे 20 नंबर का जो एमसीक्यू आता है बोर्ड्स के पेपर में, वो आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, एक बात करते हैं। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कह रहा है आपके पास में एक आयताकार भाग है, यानी जो भाग है वो किस तरीके का आयताकार है, समझने, जो भाग है वो किस तरीके का है, वो आयताकार है। पहली बात तो इसने ये बोल रखी, जो भाग है वो आयताकार है। ठीक है, अब आयताकार भाग जिसकी लंबाई, उस आयताकार भाग की जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये आपसे बोला जा रहा है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, बाघ की जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का परिमाप 36 मीटर है आपके पास में। तो अर्ध परिमाप जो है वो क्या है, 36 मीटर है। ठीक है, अर्ध परिमाप जो है वो क्या है, 36 मीटर आपके पास में। आयताकार बाघ का जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए, विमाएं मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी आपके पास है वो आपके पास उसे निकालना है। तो हमें यहाँ पास विमा नहीं पता है, तो विमा मान लेते हैं, माना माना लंबाई बराबर एक्स मीटर, चौड़ाई बराबर वाई मीटर। ठीक है, आपके पास में चौड़ाई और लंबाई हमने मान लिया, चौड़ाई लंबाई कितनी है हमारे पास में, अब जो चीज हमने लेट कर लिया मान लिया है, इसका मतलब वो हमारी वैल्यू मालूम हो चुकी है। ठीक है, जो हमने जितना हमने क्या नाम है मान लिया है वो हमको क्या नाम है मालूम हो चुका है। अब आगे की तरफ अगर बात करें कि लंबाई हमने मान लिया एक्स मीटर, तो इसका मतलब लंबाई हमको पता, जो चीज हमने मान लिया है इसका मतलब वो हमको पता हो चुकी है। अब जो मान लिया है उसका इस सवाल में क्या संबंध है, उस संबंध को हम समझेंगे। हमसे बोला जा रहा है कि जो लंबाई है प्रश्न के अनुसार, समझना, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो सिंपली जिससे अधिक है उसी में जोड़ दीजिए आप। जिससे अधिक है, लंबाई किससे अधिक है, चौड़ाई से अधिक है, तो चौड़ाई में अगर आप जोड़ देंगे तो लंबाई के बराबर, जब आप कोई चीज जोड़ दोगे तो आप उस वैल्यू के बराबर, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसका मतलब एक्स जो लंबाई है चौड़ाई में, यानी चौड़ाई जिससे अधिक हो जिससे कम हो, आप उसी में अधिक है तो जोड़िए, कम है तो घटाइए। ठीक है, कोई चीज गुना है तो आपस में गुना कीजिए आप। ठीक है, तो जब भी गुना शब्द की बात करता है तो उसे गुणा करिए, अधिक की बात करता है तो जोड़ दीजिए और कम की बात करता है तो घटा दीजिए। तो यहाँ अधिक की बात हो रही है, चौड़ाई से अधिक है, तो जिससे भी ये सारी चीज हो रही है तो उसमें आप करेंगे, चौड़ाई से अधिक है तो चौड़ाई में हमने 4 जोड़ दिया, लंबाई के बराबर हो गया आपके पास में। जब चीज आप स्टेटमेंट को फॉलो कर लोगे तो वो चीज बराबर हो जाएगी। इसका मतलब x - y = 4। दूसरा, अर्ध परिमाप जो है वो 36 है। अर्ध परिमाप, परिमाप और अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है। आयताकार आपके पास है जो है, आयताकार है भाग है, तो आयताकार भाग में 4 भुजाएं होती है, 2 लंबाई होती हैं, 2 चौड़ाई होती हैं। तो आयताकार भाग के चारों भुजाओं का योग जो है वो आपके पास परिमाप होगा आपके पास में। इसका मतलब उसको आधा कर लिया जाए तो उसका अर्ध परिमाप होगा आपके पास में। तो हमको पता है आपके पास में अर्ध परिमाप
परिमाप, अर्ध परिमाप जो है वो है 36। तो अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है लेंथ, टू टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस आपके लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई है एक्स प्लस चौड़ाई है वाई, ठीक है। यह है परिमाप, परिमाप का आधा। आधा मतलब हाफ से डिवाइड। किसके बराबर है? देखिए ये ऊपर वाली क्वांटिटी परिमाप है। परिमाप का फार्मूला होता है आयताकार का, टू एल प्लस बी, टू एल प्लस बी, ठीक है। और उसका आधा तो आधे से डिवाइड कर देते, तो हमको क्या मिला? ये सेकेंड समीकरण नंबर हो गया, ठीक है। आप अब इसको ग्राफ से करना तो ग्राफ बनाकर कर लीजिए, नहीं मैं आपको बता दिया था आपके पास में कैसे आप करते हैं। तो हल आप करते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, ये हो गया। अब अगर गुणांक बराबर है तो चिन्ह देखिए, गुणांक यहाँ बराबर है तो चिन्ह दोनों के समान है, यहाँ गुणांक बराबर है चिन्ह विपरीत है। तो विपरीत वाले के साथ जोड़ होगा, विपरीत चिन्ह वाले के साथ जोड़ होगा। गुणांक अगर बराबर है तब विपरीत चिन्ह वाले के साथ जोड़ होगा और समान चिन्ह वाले के साथ में घटाना होगा। तो समान चिन्ह इसके साथ है तो घटाएंगे, घटाएंगे तो नीचे वाला चिन्ह सबका बदल जाएगा। ये खत्म हो गया। माइनस वाई माइनस का टू वाई बेटा, माइनस का 36 प्लस का 4 माइनस का 32। तो वाई की वैल्यू आ गई बेटा 16। वाई की वैल्यू अगर 16 आई तो 16 रखिए आप, वाई के बराबर आप वाई बराबर 16 समीकरण नंबर एक में रखने पर, जैसे समीकरण नंबर एक में रखेंगे तो x का मान क्या निकल के आएगी? y की वैल्यू 16 रखोगे माइनस का 16, यहां रख दीजिए y की वैल्यू 16 रखे तो 16 प्लस 4 कितना हुआ? 20। यानी लंबाई जो हो गई, लंबाई क्या थी x, लंबाई x बराबर 20 मीटर, चौड़ाई चौड़ाई y बराबर, y बराबर चौड़ाई y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर आपके पास में y का मान 16 था तो 16 मीटर। इस तरीके से लंबाई चौड़ाई हमको पता चल गई, ठीक है। अब इसको ग्राफ से करना, मैं बताया था ग्राफ से आप कर लीजिएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा। चलिए दोस्त हम सवाल नंबर 7 करते हैं यार, इसी के आगे 6 आपके पास एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल देने वाले सवाल कभी नहीं पूछे जाते हैं इस तरीके से, क्योंकि हर एक बंदे का एग्जाम्पल अलग होगा। बात करते हैं समीकरण आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कैसे करना समझिएगा। समीकरणों x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो और 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इक्वल टू जीरो का ग्राफ खींचिए। तो पढ़िए चलते ग्राफ खींचते, ग्राफ खींचना मैंने बताया था। तो समीकरण एक्स माइनस वाई, 7 नंबर सवाल है बेटा, एक्स माइनस वाई प्लस वन बराबर जीरो, इसका ग्राफ खींचने के लिए हमने क्या किया? बॉक्स बनाया, ठीक है। बॉक्स इसलिए बनाएंगे कि हमें दो बिंदु चाहिए, दोनों बिंदुओं आपको निकालना है एक्स वाई। एक्स की वैल्यू जीरो किया, वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एक्स की वैल्यू जीरो किया, वाई की वैल्यू वन मिलेगी। अगर वाई को जीरो किया तो एक्स की वैल्यू माइनस का वन मिलेगी, ठीक है। ये हो गया आपके पास में 3x, इसका निर्देशांक हो गया 0,1 बेटा, इसका निर्देशांक हो गया -1,0। एक और है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। ये हो गया आपके पास में, x की वैल्यू 0 किया, y की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू 0 किया, x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है आपके पास में। तो इस तरीके से कैलकुलेशन किया तो ये आया 0,6, ये आया 4,0। इस तरीके से हमारे पास ये बिंदु मिल गया। अब ग्राफ ड्रा करते हैं, ग्राफ ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ठीक है, इस तरीके से आप ग्राफ बनाते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आपके पास में ग्राफ बनाइए, जब तक मैं देख लेता हूँ। आगे इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, ठीक है, 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, इस तरीके से हमारे को ये ग्राफ मिल चुका है। ठीक है, मतलब ग्राफ ड्रा करते हैं, पहले इसका ड्रा करते हैं, 0,1 माइनस 0,1, 0,1 ये निर्देशांक दिया, फिर -1,0 ये है, -1,0 ये है, -1,0 बिंदु आप लोकेट करेंगे, ये हो गया आपके पास में ग्राफ। किसका ग्राफ है उसका नाम लिख दीजिए, ये ग्राफ जिसका भी है, क्या आपके पास ग्राफ, इसका x-y+1=0। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, 0,6 और 4,0 आपके पास में, 0,6 जीरो एक्स पे 0, वाई पे 6 0, 4,0 4,0 ये है हमारे पास में ग्राफ, इस दोनों पॉइंट को जोड़ दीजिए इस तरह से, ठीक है, लाइन सीधी खींचिएगा बेटा, ये हो गया आपके पास में 3x+2y-12=0, ये दोनों रेखा यानी दोनों रेखा खींच गई। अब आपसे सवाल ये कह रहा है कि जो ग्राफ खींच लिया है, एक्स अक्ष मतलब ये एक्स अक्ष और इन रेखाओं, एक्स अक्ष और इन रेखाओं, कौन रेखाओं, जो रेखा आपने ड्रा किया, दो रेखा ड्रा किया, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, मतलब इस रेखा और जो एक्स अक्ष है इनसे जो त्रिभुज बन रहा है उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना, तो एक्स अक्ष ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, तो इस रेखा से ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा और ये एक्स अक्ष से जो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है ए, ये इसके देखो, इस त्रिभुज के ये निर्देशांक, ये निर्देशांक पता लेकिन ये नहीं पता, और ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है दोनों रेखाओं का, यही इसका हल, तो इसका मतलब मैं अगर हल निकालना चाहूं तो मैं इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ग्राफ से नहीं दिख रहा है तो बेटा इसको आप सिंपली, मैं कह रहा हूं इसको आप विलोपन विधि से हल कर लीजिए, विलोपन विधि से जब हल कर लेंगे तो आपको एक्स वाई एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, फिर यहाँ पर बता दीजिए, बताने के बाद कह दीजिए ये हल है आपके पास में, तो मैं यहाँ पर साइड में रफ वर्क में बता रहा हूँ आपके पास में, x-y+1=0, ठीक है, और नीचे क्या है 3x+2y-12=0, ठीक है, गुणांक बराबर नहीं है समीकरण नंबर 1 और 2 का, तो गुणांक बराबर कर लीजिए, ठीक है, एक काम करते हैं 3 के ऊपर गुणा कर देते हैं, 3 का जैसे गुणा करोगे तो 3x 3y और ये हो जाएगा 3, ठीक है, हो जाएगा, जैसे आप करोगे माइनस माइनस और ये प्लस, ये खत्म हो गया, माइनस का 3y माइनस का 2y दैट इज माइनस का 5y, ठीक है, प्लस का 3 और प्लस का 15=0, 15 उधर गया, माइनस का 15, 15 माइनस के 15 को 5 से डिवाइड किया, y की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू अगर 3 आई तो y की वैल्यू 3 समीकरण में रखिए, y को 3 रखा तो -3 बन गया, -3+1 माइनस का 2 उधर गया, प्लस का 2 आया, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई, 2, x=2 आया। अब देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ देखिए, ये 3 के सामने है y 3, ये किसके सामने, 2 के सामने है, तो x 2, तो आप ग्राफ से अगर नहीं निकाल सकते हैं, मिस्टेक हो सकता है आपके पास में कभी कभी, तो बेशक है आप इस तरीके से सोल्यूशन कर लीजिए विलोपन विधि लगाने के से, तो प्रतिच्छेद बिंदु आपको मिल गया 2,3, ये आपके पास में, ये हल है आपके पास में, रेखा का हल है आपके पास में। अब उसके बाद आप इसको हटा दीजिए यहाँ से, इस तरीके से हटा दीजिए, इस तरीके से हल करने के बाद में किसी को क्या पता कि आपने हल जो निकाला है, जो प्रतिच्छेद बिंदु निकाला है वो आप विलोपन विधि निकाल, आपको एग्जामिनर यही समझेगा कि आपने ग्राफ से निकाला हुआ, ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। तो अब आपके पास ट्रायंगल जो बना था, त्रिभुज जो बना था वो ये बना था, निर्देशांक की बात करें तो निर्देशांक क्या हो गया आपके पास में,
त्रिभुज, ठीक है, शीर्ष त्रिभुज के निर्देशांक, ठीक है, के शीर्ष निर्देशांक, ठीक है, पहला 0.1, ठीक है, ये सॉरी 0.1 नहीं, -1.0, फिर 4.0, फिर 2.3, ये हो गया आपके पास में, और एक्स अक्ष और त्रिभुज क्या नाम है, रेखा से बने वाला जो त्रिभुज है उसको शेड भी करना, छायांकित करना, ये हो गया। इस तरीके से आप इसको छायांकित कर दीजिए, ये वाला भाग, ठीक है, पेंसिल या स्केल जो जो भी आपके पास में है, छायांकित कर दिया आपके पास में, तो ये हो गया आपके पास 7 नंबर सवाल। इस तरीके के सवाल आपके पास पूछे जाते हैं, तो इसको बेटा ध्यान रखिएगा, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं कि किसी भी क्या नाम है, समीकरण को आप हल कैसे करेंगे। तो समीकरण के हल करने का जो विधि है आपके पास, विधि, पहली विधि कौन सी है, पहली विधि का मतलब है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। इस विधि को आसान तरीके से, आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। क्या आपके पास, सपोज मैंने माना एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू का 4, मैंने एक समीकरण ये मानना, फिर एक समीकरण माना हमने 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू का 12, ये हमने दो समीकरण हमने मान लिया। अब दो समीकरण हमने माना हुआ है, इन दोनों समीकरण के हल ज्ञात करना है, यानी हल मतलब x और y के वैल्यू बताना है। हल कैसे निकलेगा इस बात को भी इंश्योर करना पड़ेगा, तो मैं आपको यहाँ पर जो रूल बताने जा रहा हूँ वो है प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। क्या है प्रतिस्थापन विधि, तो पहला स्टेप ये कहता है कि किसी भी समीकरण को, किसी भी समीकरण को एक चर के रूप में निरूपित कीजिए, किसी भी समीकरण को, ठीक है, आपके पास जैसे किसी भी समीकरण को एक चर के रूप में, एक चर के रूप में निरूपित कीजिए, निरूपित कीजिए। जैसे आप एक चर के रूप में निरूपित करेंगे तब क्या होगा हमारे पास, जैसे ही आपके पास में एक चर के किसी भी समीकरण को, आपके पास किसी भी समीकरण को आपके पास में एक चर के रूप में, समीकरण को एक चर के रूप में निरूपित कीजिए, जैसे आप निरूपित करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जैसे ही आप एक चर के रूप में निरूपित करेंगे तो हम पहला कर लेते हैं, जैसे एक्स एक्स एक चर, बाकी को सब उधर कर दो, केवल एक चर रोको, एक चर रोक लो और बाकी को उधर कर दो, 4 माइनस आपके पास में 4 प्लस वाई, अगर आप इसे करते, सपोज दैट इसे करते, मैं बता दे रहा हूं, तो 3x वाई को भी आप रोक सकते थे, जो आसान लगे आप उसी को रोकिए, ठीक है। अब x हमें रखना है, एक चर में रखना, गुणांक भी नहीं होना चाहिए, तो x बराबर बाई 3, ये होगा एक चर के रूप में आ गया। जब ये बदल जाएगा आपके पास में तो इस एक चर वाली वैल्यू को उठा करके दूसरे समीकरण में रखना, मतलब जिसको बदला है आपको ने उसमें नहीं रखना, दूसरे में रखना, जिसको आपने बदला है उसमें नहीं रखना है, दूसरे में रखना, ठीक है। तो जाहिर से बात है मैं इसके हटा देता हूं, बदल के बता दिया आपको, तो अब मैंने इसको बदला है यहां पास, तो अब इसको उठा करके दूसरे समीकरण को, ठीक है, यह जो मान है दूसरे समीकरण में रखने, रखें, जैसे रखेंगे तो आपको आपको मान मिल जाएगा, जैसे आप रखेंगे, जैसे x की वैल्यू यहां पास मैंने निकाला 4 प्लस वाई, तो x की जगह पर रखना है 4 प्लस वाई, ठीक है। दो संख्या जब किसी के साथ जाती हैं, ठीक है, प्लस माइनस में, तो आप उसको ब्रैकेट लगा के लेके जाइए, ठीक है, माइनस का 2y इज इक्वल टू का 12, ठीक है, तो 12 3y माइनस का 2y दैट इज 4, 12 3
वाई आप 12 उधर गया, अगर देखे 12 उधर जाएगा आपके पास में, तो 12 की वैल्यू क्या मिलेगी? अगर देखा जाए तो 12 की वैल्यू आपके पास जीरो होगी, 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वाई 3y-2y दैट इज वाई 12 उधर गया सब्ट्रैक्ट होने के लिए, तो क्या मिला आपके पास में 12-12 दैट इज 12 की वैल्यू आई, वाई की वैल्यू आई जीरो। वाई अगर जीरो आया तो वाई का मान किसी भी अब समीकरण में रख दीजिए, ठीक है, वाई बराबर जीरो समीकरण नंबर दो में रख दीजिए, एक में दो में किसी में रखिए, मान मिलने के बाद में आप किसी में रखिए, तो y बराबर जीरो समीकरण नंबर हमने दो में रखा, तो 3x जैसे जीरो रखा तो ये खत्म जीरो हो गया, तो बराबर 12 बचा, तो x की वैल्यू आई बेटा 4, तो हल निकल गया है आपके पास में 4, ठीक है। x मतलब आपके पास समीकरण का जो हल है, समीकरण का जो हल है वो x बराबर 4 है और y बराबर क्या है 0 है, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से आप प्रतिस्थापन विधि आप लगा करके सवाल को हल कर सकते हैं। तो जितने भी सवाल आपके पास प्रतिस्थापन विधि के हैं उसको आप लगाने की कोशिश करिए बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए दोस्तों, ये प्रश्नावली आपके पास 3.2 पुरानी बुक के अकॉर्डिंग जो है वो 3.3 है, नई बुक के अकॉर्डिंग 3.2 का ये फर्स्ट का आपके पास दूसरा सवाल कह रहा प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना आपके पास में। तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि किसी एक चर में बदलिए फिर दूसरे समीकरण में उसको रख दीजिए, तो हम इसको बदल लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हल हल हमने पहले समीकरण को बदला तो 3+t हो गया, जैसे 3+t आया इसकी वैल्यू, तो समीकरण नंबर दो में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, समीकरण नंबर दो में इस बराबर 3+t रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, s की वैल्यू 3/t है, फिर दो वैल्यू आपके साथ जा रही तो ब्रैकेट लगा लीजिएगा, बाई 3+t/2 दैट इज 6। लासा ले लीजिए आप, लासा कितना निकल के आएगा, लासा आएगा 6, ठीक है, 6 निकल के आया, 3 का डिवाइड किया 2 मिला, 2 का गुणा किया इसमें गुणा किया तो 6+2t, 2 का गुणा किया डिवाइड किया 3 मिला, 3 का गुणा किया 3t मिला इक्वल टू 6, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये 6 उधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ बेटा, ठीक है, 6 उधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो 6+5t 36, उधर गया 5t = 30 बनेगा, ठीक है, 6 उधर जाएगा माइनस का 6 बनेगा, 36 में से माइनस 6 हटेगा, तो t की वैल्यू क्या निकल गया, t की वैल्यू आपके पास में 5 निकल गया, 36/5, 5 नीचे डिवाइड हो जाए, t की जैसे वैल्यू पाँच निकल के आई तो s की वैल्यू क्या निकल के आई, समीकरण में रख दे s t की वैल्यू 5 निकल गई तो s की वैल्यू आ गई 8, तो ये आपके पास में हल हो गया। इस तरीके से आपके पास में सवाल है, जैसे चौथा नंबर सवाल की अगर बात करूं, चौथा नंबर में हिंट दे रहा हूं आप कर लीजिएगा, चौथे नंबर सवाल में 2x है प्लस 0.3y है इक्वल टू 1.3 है, ठीक है। चलिए इसमें सब में 0.1 है सब में 0.1 है, तो 10 का गुणा सब में एक साथ कर दीजिए, जैसे 10 का गुणा एक, अगर 10 का गुणा करोगे तो 1.1 हटेगा, 100 का गुणा करोगे तो 2.0 हटेगा, तो आपके पास जितने दशमलव है उसको हटाने के लिए उतने जीरो वाले डिजिट का गुणा कर देंगे, तो 1.0 हटाना सब में से, तो सब में 10 का गुणा कर दीजिए एक साथ, तो 2x बन गया, 3y बन गया और ये हो जाएगा 13, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा वाला हिस्सा, इसमें भी आपके पास में सब में 1.0 है, तो सब में हमने 10 का गुणा किया तो 4x बन जाएगा, ये गुणा करते ही 5y बन जाएगा, उसके बाद ये 23 बन जाएगा। अब ये समीकरण आप खुद से हल करिएगा, मैंने आपको विस्थापन बता दिया, प्रतिस्थापन बता दिया, उससे आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास में अगला जो सवाल है आपके पास पांचवा हिस्सा ये कहता है √2x + √3y = 0, ठीक है, √3x - √8y = 0। इस तरीके से अगर देखें तो यहां से हम वैल्यू निकालते हैं, किसी भी रूट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हमने समीकरण नंबर ऊपर वाले को बदला, जैसे बदला तो क्या वैल्यू मिली, √2 - √3y, तो √2x हमने रोका माइनस का √3y अपान में √2, ये हो गया। तो हमने इस तरीके से इसको बदल लिया, अब इस x की वैल्यू को दूसरे समीकरण में रख देना, इसको उठा करके x बराबर
माइनस का रूट थ्री वाई अपान रूट टू को, ठीक है, दूसरे में रखने पर, दूसरे समीकरण में रख दीजिए। जैसे आप दूसरे समीकरण में रख देंगे तो क्या मिलेगा आपके पास में, पहला समीकरण, पहले को तो बदल लिया आपने, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू जैसे रखा रूट थ्री, ठीक है, माइनस का रूट थ्री वाई अपान में टू, और ये हो जाएगा माइनस का रूट एट वाई बराबर का जीरो। बेटा वाई कॉमन ले लीजिए, सब में से वाई कॉमन ले लिए, अंदर क्या बच गया, रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा तो थ्री हुआ। बराबर ये सारी जो भी कैलकुलेशन आएगी, ये सारी कैलकुलेशन सिंगल कैलकुलेशन मिलेगी और ये वाई के साथ गुणा होगी। ये सारी कैलकुलेशन जो भी मिलेगी उठा करके उधर डिवाइड कर लीजिए, ये पूरा ब्रैकेट का वैल्यू सब डिवाइड हो जाएगा उधर। जैसे डिवाइड हो जाएगा तो वाई की वैल्यू मिलेगी आपके पास जीरो। अगर वाई की वैल्यू जीरो मिली तो वाई की वैल्यू किसी भी समीकरण में रखिए, वाई को अगर रखेंगे तो बनेगा ये जीरो हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस तरीके से ये भी सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा। चलिए बेटा इसका पास छठा सवाल जो है उसको कर लेते हैं। 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इज इक्वल टू का माइनस का 2, ठीक है। x प्लस x अपान 3y 3y अपान 2 इज इक्वल टू का 13 अपान 6, ये हमारे पास है। अब सिंपली अगर देखें इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो इसको आप बदल भी सकते हैं। देखिए सब में 2 और 3 का लासा कितना है, 6 है, 6 को गुणा कर दोगे तो आप ये भी लिख सकते हो, इसको और करके मैं लिख दूं, और करके इसको ये लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो इसको और करके, इसी के आगे इसको गुणा कर दोगे, ये गुणा करोगे 2 और 3 का लासा कितना आया, 6, 6 से गुणा करोगे, 6 से गुणा करोगे तो 6 इसमें गुणा होगा 3 मिलेगा 9x, ठीक है। इसमें इसमें 6 को गुणा करोगे तो कितना मिलेगा 10y, ये इसमें 6 को गुणा करोगे तो ये 12 मिलेगा, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसमें भी आपके पास में लासा आपके पास आ रहा तो 6 का गुणा करोगे इसमें तो ये बनेगा आपके पास में 2x, इसमें 6 का गुणा करोगे, इसमें 6 का गुणा करोगे तो कितना मिलेगा आपके पास में 3y, इसमें करोगे तो ये बन जाएगा 13, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, गुणा करते जाइए, वैल्यू आपको मिलती जाएगी आपके पास में, ठीक है। तो मतलब आपके पास में एक समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया, एक समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया। अब क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को आप चेंज करिए, किसी भी एक समीकरण को बदलिए, ठीक है। हमने इस समीकरण को बदला, इस वाले समीकरण को, ठीक है, समीकरण नंबर 2 को बदलने पर, समीकरण नंबर 2 को बदला, कितना हुआ 2x। अब की मैं वाई में करता हूं, वाई में, ठीक है, 3y को रोका, 13 माइनस का 2x, तो y हमें लेना है तो 13 माइनस का 2x अपान का 3, ये हमारे पास हो गया। अब y इज इक्वल टू 13 माइनस का 2x अपान का 3, ये मिल गया। अब इसकी वैल्यू क्या करें, रखते हैं y बराबर 13 माइनस 2x, 13 माइनस 2x इसको उठा के रखते हैं हम किसी भी समीकरण में, जिसको बदला नहीं, किसी में नहीं, जिसको बदला उसमें नहीं, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, 1 क्या है हमारे पास, ये y की जगह पर रखना है हमको, तो y की जगह पर रखना है तो 9x माइनस, जैसे हमने y की जगह पर रखा तो y के सामने 10 है तो जो भी वैल्यू आएगी वो ब्रैकेट के साथ में आएगी, ठीक है। कितना हुआ 13 माइनस का 2x अपान का 3 इज इक्वल टू का 1, ठीक है, ये हो गया माइनस का 12, ठीक है, इस तरीके से आपके पास हो गया। अब अगर आप देखना चाहें तो यहां पास, यहां पास आप फिर से 3 का गुणा कर दीजिए, ठीक है, या तो लासा ले लीजिए, 3 का गुणा कर दीजिए या लासा लीजिए, जो भी नीचे है संख्या उसका लासा लेकर के उसी का गुणा कर दीजिए आप, ठीक है। या तो एक काम करिए, इसको आप ऐड कर लीजिए सीधा सीधा, तो वैल्यू मिल जाएगी आपके पास में। तो सिंपली क्या करेंगे, 3 9 27 27x बेटा, ठीक है, ये अंदर गुणा हो जाएगा 130, ये भी अंदर गुणा होगा आपके पास में
प्लस का 20x अपान में क्या मिलेगा आपके पास में, 3 इक्वल टू माइनस कट 1, तो 27x, 20x कितना हुआ 47x, ठीक है। और ये उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हुआ माइनस का 36, तो 47x इक्वल टू माइनस का 36 प्लस का 30, सब्ट्रैक्ट हुआ 10 में से 6 गया 4, ठीक है, 2 में से 3 नहीं जाएगा, 12 में से 3 गया 9, 94 मिला। तो अब x को डिवाइड करोगे तो x को डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा, तो x बराबर 2 निकल के आया, तो x का मान x बराबर 2, समीकरण नंबर एक में रखने पर, एक में रख दीजिए समीकरण नंबर एक में, नहीं दो में रख दीजिए, दो में रखने पर आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। x बराबर 2 रखिए, 2 दूनी 4, 4 उधर गया, 13 में से 4 गया 7, ठीक है, जैसे आप रखेंगे, ठीक है, यहां पास 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 उधर गया, 13 में से 4 गया बेटा 9, ठीक है, 9 बचा, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 3, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई 3। तो इस तरीके से x का मान और y का मान निकल के आया आपका ये समीकरण नंबर 4 जो आपके पास में क्वेश्चन नंबर जो छठा था ये सॉल्व हो गया, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। बस आपसे एक गुजारिश ये है कि बस आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे सब्सक्राइब आपके पास लिखा होगा उसको सब्सक्राइब करें। जो बच्चे अभी आए हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि चैप्टर नंबर 1 से स्टडी करें, ठीक है, इसको भी प्रॉपर क्लास लेते रहें लेकिन चैप्टर नंबर 1 से स्टडी करें, जिससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और बोर्ड्स की तैयारी आपकी हो जाए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आता होगा, वो पॉज करके नोट कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, बच्चों के साथ शेयर करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, शेयर जरूर करिए, इससे लोगों तक मैं आपके थ्रू ही मैं गाँव के बच्चों तक पहुँच सकता हूँ, ठीक है। कल मिलते हैं।